दोस्तों अगर आप इस तरह का 9 वाट का नॉन रिचार्जेबल बैटरी यूज करते हैं और जब आपको लगता है कि आपका बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है तो लगभग सभी लोग उसे खराब समझकर फेंक देते हैं। लेकिन 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 आप अपने 9 वाट की डिस्चार्ज बैटरी को फेंकने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पछताना पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि बैटरी के अंदर कुछ फॉल्ट आ जाता है जिस कारण से आपका जो 9 वाट का बैटरी होता है वह बिल्कुल भी चार्ज नहीं बताता और आप उसे डिस्चार्ज समझकर खराब समझकर फेंक देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9 वाट की डिस्चार्ज बैटरी को रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, झट से चैनल को करो सब्सक्राइब और लगे रहो डट के, क्योंकि आपके भाई का रिपेयर करने का अंदाज है जरा हटके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। दोस्तों आप जो ये 9 वाट की बैटरी मेरे हाथों में देख रहे हो, इसमें का जो व्हाइट वाला बैटरी दोस्तों वह डिस्चार्ज बता रहा है और जो ब्लैक वाला बैटरी आप देख रहे हो दोस्तों वह अच्छे से उसमें चार्ज है, उसमें चार्ज हुआ है। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर इस लाइट को हम जलाकर आपको दिखा रहे हैं और ये जो व्हाइट वाला बैटरी दोस्तों उसमें जरा भी चार्ज नहीं बता रहा है, यानी कि दोस्तों यह डिस्चार्ज बता रहा है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसका रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों ऐसा होना 50% चांस होता है कि जो 9 वाट का बैटरी होता है वह उसमें अंदर चार्ज होता है मगर वह बाहर से दोस्तों डिस्चार्ज बताता है और हम उसे खराब समझकर फेंक देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास बैटरी इस प्रकार का है तो आप उसको इस तरह का रिपेयर करके जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर में कुछ फॉल्ट हो जिस कारण से आपका बैटरी चार्ज नहीं बता रहा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ से प्लायर की मदद से ओपन कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने थोड़ा सा जगह बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे स्क्रू ड्राइवर के साथ है थोड़ा इधर उठाते हुए दोस्तों इस प्रकार से हम इसका जो कवर है उसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कवर निकालने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें जो फॉल्ट हो सकता है वह कहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका जो बैटरी है उसे ओपन कर लिया है। अब ओपन कर लेने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पट्टी है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जंग लग चुका है, जंग लगा हुआ है और इसका जो बैटरी है दोस्तों वहाँ पर भी जंग लगा हुआ दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें चार्ज बचा रहता है दोस्तों, फिर भी इसका जो जंग लग जाने के कारण इसका जो सप्लाई है वह वहाँ तक नहीं जाता है, इसका जो टर्मिनल तक। और हम क्या समझते हैं ये जो बैटरी का जो चार्ज होता है वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो जंग लग चुका है इसका जो पिन है दोस्तों उसको जंग को आपको इस तरह से फाइल के सहायता से या कटर की सहायता से आप इस तरह से घिस कर उसे चमकदार बना ले इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका जो सभी जंग लगा हुआ था जो कार्बन था उससे घिस कर निकाल लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, ये जो बैटरी है उसके ऊपर भी जंग लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसको भी हमें घिस कर बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो जंग लगा होता है उस कारण से इसका जो सप्लाई है दोस्तों डीसी सप्लाई वह प्रॉपर तरीके से नहीं जाता है और हम अपने बैटरी को डिस्चार्ज समझकर फेंक देते हैं। दोस्तों अगर आपके बैटरी कभी डिस्चार्ज हुआ है तो आप इस तरीके को जरूर आजमा कर देखें, क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपका बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हुआ हो, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाने के कारण आपका बैटरी डिस्चार्ज बता रहा हो। तो इसलिए आपको एक बार अपने बैटरी को इस तरीके को इस्तेमाल करके जरूर देख लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैटरी के जो जंग था उसे निकाल दें, अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा 9 वाट का बैटरी है वह फिर से चार्ज बता रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें जो जंग लग चुका था जिसमें कार्बन आ चुका था जिस कारण से दोस्तों इसका जो सप्लाई है वह प्रॉपर तरीके से इसका जो टर्मिनल है वहाँ तक नहीं जा रहा था जिस कारण से हम इसे डिस्चार्ज समझ रहे थे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से उसका जो जंग है उसे खोल कर निकाल लेना है और उसके बाद दोस्तों इसको फिर से तैयार करने के लिए आपको इस तरह से धागे से सहायता से यहाँ पर बांध देना है। और बांध देने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वायर टेप लगाएंगे और इसे अच्छे से थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हम वायर टेप की सहायता से इसे घुमाकर चारों तरफ से पैक कर देंगे और हमारा जो 9 वाट का बैटरी है वह दोस्तों फिर से काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि इसका जो अंदर कम से कम 20-25% चार्ज बचा हुआ रहता है और यूज करते करते दोस्तों इसका अंदर जंग लग जाता है या कार्बन आ जाता है तो इसका जो सप्लाई हुआ प्रॉपर तरीके से इसके टर्मिनल तक नहीं आता है और हम इसे डिस्चार्ज समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बैटरी का रिपेयर करके जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपका बैटरी के अंदर कुछ फॉल्ट आ जाने के कारण आपका बैटरी डिस्चार्ज बता रहा हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस बैटरी का रिपेयर कर दिया है, तो
आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और भी नए नए यूनिक आइडियाज वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।